You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से गंभीर दोष लगाउंदिया FIR दर्ज करवाई है। इस तो इलावा पांच होर व्यक्तियों से भी केस दर्ज किया गया। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने सुशांत को अपने प्यार में फंसा के उस तो पैसे ले ते सुसाइड करने लिए उकसाया। बिहार में यह FIR दर्ज होने तो बाद रिया चक्रवर्ती ते गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह ने 14 जून को फाहा ला के खुदकुशी कर ली सी। रिया चक्रवर्ती ते सुशांत को खुदकुशी लई उकसाउण दे दोष लगे ने। सुशांत दे पिता ने पटना दे राजीव नगर थाने विच इह केस दर्ज करवाया है। जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती अज अदालत विच अपनी अगाऊ जमानत दी अर्जी भी दे सकती है। बीती रात मशहूर वकील सतीश माने शिंदे दे जूनियर वकील रिया दे घर पहुंचे। जानकारी अनुसार रिया चक्रवर्ती ने वकील नूं अपना कंसेंट साइन करके दे दिता है, जिस तो बाद वो हुण इस मामले च कानूनी मदद ले सकती है। हालांकि अजे यह अधिकारित तौर पर खुलासा नहीं होया कि रिया जमानत लई कदों अते किस अदालत विच अर्जी देवेगी। इस दे नाल ही बिहार के चार पुलिस अधिकारियों की टीम मुंबई पहुंची है, जो इस मामले की जाँच करेगी। अज बिहार पुलिस इस मामले विच मुंबई पुलिस द्वारा की जाँच के दस्तावेजा की मांग कर सकती है। इस दौरान यह भी खबर सामने आई है कि बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस विच सुशांत के करीबियों तो पूछगिछ की। रिया ते सुशांत नूं जानन वालियां तो भी बिहार पुलिस ने पूछगिछ की। जदों रिया तो पूछगिछ करन बिहार पुलिस उसके घर पहुंची तो अदाकारा घर विच नहीं मिली ते ना ही उसके नाल कोई संपर्क हो रहा है। रिया तो पूछगिछ लई बिहार पुलिस हुण नोटिस देण ते विचार कर रही है। बिहार पुलिस उस शख्स की भाल विच भी लगी हुई है जिसके नाँ का सिम कार्ड सुशांत इस्तेमाल कर रहे सन। मामला सारा वही पुराना है और रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहां से मुंबई के लिए कूच भी की है। अब जाकर के वहां जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो FIR दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से FIR दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला FIR में, क्या है पूरा? FIR में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसके तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, तो पहले FIR क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ कुछ सामने आ रहा है, तब फिर पता चल रहा है वहाँ रहता कौन था। वहाँ किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गाँव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार CBI जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और CBI जांच ले लिया जाएगा। CBI जांच महाराष्ट्र सरकार देगी, तभी CBI जांच लिया जाएगा। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अपनी FIR विच रिया चक्रवर्ती ते दोष लगाया कि साल 2019 तो पहला सुशांत किसी भी दिमागी परेशानी विच नहीं सन। रिया दे संपर्क च आने तो बाद अचानक सुशांत नूं की हो गया, इसकी जांच की जानी चाहिए है। सुशांत के बैंक खाते तो भी 15 करोड़ रुपए कढ़वाने की जांच की मांग की गई है। सुशांत के परिवार वाले ने शक जाहिर किया है कि रिया ते उसके परिवार ने सुशांत को धोखा दिता है। सुशांत सिंह राजपूत को पागल घोषित करने लिए तैयार सी। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में दसिया कि वह बुजुर्ग ने ते ज़्यादा दौड़ भज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने यह शिकायत पटना च दी है। सुशांत नाल कुछ दिन की मुलाकात नाल रिया ने पहला सुशांत के पहले घर भूत प्रेत का खौफ जता के बदलवा दिता, जिस तो बाद नवे घर विच उसका पूरा परिवार घर च रहन लगा ते सुशांत का मानसिक संतुलन खराब दसन लग्या। इन्ना ही नहीं, FIR च यह भी कहा गया कि रिया सुशांत नूं पागलखाने भेजण की तैयारी कर रही सी। रिया ने बिना किसी कारण उसनूं दवाई देनी शुरू कर दी। बाद विच दवाइयां दी ज़्यादा मात्रा उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। सुशांत के परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस इस मामले की ठीक ढंग नाल जांच नहीं कर रही। खबरां दी मनिए तां सुशांत के परिवारक मैंबर ने इस मामले च पटना पुलिस नाल मुलाकात की है। देखिए, डेढ़ महीने का सवाल दो रीजन से लगा। एक तो कि फैमिली शोक में था, दूसरी बात कि मुंबई पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रहा था। आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ, पहला FIR यही है।
तीसरी बात यह है कि जब फैमिली को लगा और जब शोक से फैमिली निकली और जब देखा कि यह मुंबई पुलिस का रवैया, और मुंबई पुलिस फैमिली पे प्रेशर डाल रही थी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम दें, उनको इन्वॉल्व करें, तो जब फैमिली ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है, तब लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचता है। और चूंकि पटना में कॉज ऑफ एक्शन था, पटना में उसके पिता रहते हैं प्लस कॉज ऑफ एक्शन था, इसलिए ये डिसाइड हुआ। देखिए जो मुंबई पुलिस कर रही थी वो जो किस किस डायरेक्शन मुंबई पुलिस जा रही मैं अभी कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मुंबई पुलिस सही डायरेक्शन में नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पटना में भी जब हम गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो पुलिस को प्रॉब्लम था एफआईआर दर्ज करने में, तो पुलिस को यहाँ तक मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, पुलिस को था कि जब तक हमको ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम, और मैं मदद बोलना चाहूँगा आज कैमरा पे कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया, संजय झा उनके मिनिस्टर हैं इरिगेशन मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल किया, उन्होंने सारे केस को समझा और फिर उसके उनकी मदद से पुलिस को समझाई गई और तब ये केस रजिस्टर हुआ वहां पे। बिल्कुल, क्योंकि पहला एफआईआर सिर्फ एक ही एफआईआर है, वो पटना पुलिस का एफआईआर है और हम चाहते हैं पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करे सारे मामले को और इसको अंजाम तक लेकर के जाए। सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से कहीं नहीं थी, किसी ने एक दो बार ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं की मांग नहीं। यू आर वॉचिंग चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।